जिंदगी बदतर से बदतर जाएगा। अभी आप ढूंढ रहे हो, अभी आप परेशान हो, अभी परेशानी आ गई आपके ऊपर, आफतें आ गई, अभी आप टंग्स में बात करने की कोशिश कर रहे हो, अभी आप सब कुछ करने की कोशिश, परमेश्वर मुझे बचाओ, परमेश्वर मुझे, चल क्यों नहीं रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा है, वाइज इट नॉट वर्किंग। जब आफतें आती है आपके ऊपर तभी आप परमेश्वर को ढूंढते हो, जब आफतें नहीं आती है तभी ठीक है ना, सो जाओ, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ा, ऐसा आपका प्यार है परमेश्वर के लिए, उनका बलत्कार हुआ। आगे हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैंने तुमको शपथ धरा कर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उसे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। रोगी हूँ, बीमार हो गई हूँ मैं प्रेम। अगर प्रेम में सच में रोगी हो तो उठते थे ना जब आपके प्रेमी आ गए तो। आप प्रेम में रोगी कब बन सकते हो? जब आपका प्रिय आपके साथ नहीं है, क्योंकि वो ही तो आपका हीलिंग है, वो ही तो आपका दवा है, वो ही तो आपका सामर्थ्य है, वो ही तो आपका शक्ति है। हम कहते हैं ना, मेरा दे आर माई वीकनेस, मेरे बच्चे मेरी कमजोरी है, मेरे पति मेरी कमजोरी है। जिससे आप प्यार करते हो वो आपका शक्ति बन जाता है, आपका कमजोरी नहीं है ना। उनको देखोगे तरते हुए, आप में शक्ति आ जाएगा, भले आप नींद में हो, आप उठोगे और चीजें करोगे, वो आपकी शक्ति है, कमजोरी है। समझ में आ रहा है? ये क्या कहे, मैं तो बीमार हो गया, क्यों? उसका प्रिय उसके पास नहीं था। आप परमेश्वर के बगैर बीमार, बीमारी है आपकी जिंदगी में, ठीक है? आगे बस नहीं तो अभी लोग जो स्त्री वहां पर बैठे थे, जो उनके साथ तंबू में बैठे थे, अभी वो लोग महल में आ गए। सुना है? अभी वो लोग महल में आ गए। सुनो सुनो, ये प्यार के शिक्षण है वचन से। अभी महल में आ गए वो स्त्री, तो वो स्त्री क्या बोलने लगे उस औरत को, देखो, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? तू क्यों हमको ऐसी शपथ धरती है? क्यों इतना बकबक कर रही है तुम्हारे प्रेमी के बारे में? क्या है तुम्हारे प्रेमी जो इतना, क्या है खासियत उसमें, इतना क्या है उसमें? देखो, यदि आप किसी से प्यार करते हो उनके बारे में लगातार बातें करोगे। अभी बोलो मुझे कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो। लोग पक जाएंगे आपके इर्द गिर्द में, क्योंकि आप बार बार, ये लोग बोल रहे कि क्या है तुम्हारे प्राण प्रिया में कि आप इतना बात कर रहे हो उनके बारे में, क्या है वो, कौन है वो, बता दो हमें, क्योंकि हमेशा इतना तड़प रहे हो, इतना रात भर आप नींद नहीं आता है, चैन नहीं आता, क्या करते हो आप, इतना क्या खास है उसमें, कौन है वो आदमी है ना, इतना क्या खास है उसमें? देखो वो खासियत बताती है 10 से लेके 16, देखो, मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है। हाँ, गोरा लाल सा है, चलो ठीक है आगे। और 10,000 में उत्तम है। 10,000 में उत्तम है, 10,000 में उत्तम है, और आगे, उसका सिर चोखा कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटे कौवों की नहीं काली है। कौवों की नहीं काली है, देखो मिल गया वचन, कौवों की नाम, ठीक है आगे। उसकी आंखें उन कबूतरों के समान है जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बैठे हुए हैं। एक बात कहूँ, ठीक है आगे पढ़ो, ठीक है। उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसान की उभरी हुई क्यारियों है, क्यारियां है। आगे। उसके होंठ शोषण फूल है जिनसे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। आगे। उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने के खिवाड़ हैं, उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। आगे। उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खम्भे हैं, वह देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्षों के समान मनोहर है। उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वो परम सुंदर है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। यही मेरा प्रेमी, यही मेरा मित्र है। एकदम बैठे नहीं करेंगे। आपका प्रेमी कौन है? आपका मित्र, आपका मित्र कौन है? आपका प्रेमी, प्रेमी। आजकल मित्र कहीं और होते और प्रेमी कहीं और, प्रेमी कहीं और। आया ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है मेरी बहन, मेरे बेस्ट फ्रेंड जो है मेरे दोस्त है, और मेरा पति है। नहीं, जहां पर आपका प्यार है वहां पर वही आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, वही आपका दोस्त है, वही आपका मित्र है।
जो आपका प्यार है, इसलिए यीशु को कहते हैं कि वो हमारे मित्र है, वो हमारे दोस्त है, क्योंकि हमारा प्यार भी वो है, हमारे दोस्त भी। समझ में आ रहा है? आपका मित्र और दोस्त, आपका प्रेमी और दोस्त अलग अलग नहीं हो सकता, मतलब आपका प्रेम सच्चा नहीं है। भले ही वो औरत भी हो, औरत का भले औरत दोस्त हो, कोई नहीं सकता। आपका आदमी ही आपका दोस्त होना चाहिए, कि आप सब कुछ उनके साथ बांट सकते हो जैसे आप अपने दोस्त के साथ बांट सकते हो। वो रिश्ता आपका रहना चाहिए, और कोई दोस्त आना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आपका और कोई तीसरा दोस्त आया बीच में, आपका रिश्ता लड़खड़ाए, आपके रिश्ते में दरार आए। क्यों? क्योंकि अभी आपको कहीं और से, अभी आप अपना समस्या इनको बताओगे, फिर वो लोग अपने रीति से आपको समझाएंगे, फिर आप बोले हाँ सच में यार मैंने सोचा ही नहीं था ये ऐसा है, ये वैसा है। आपको ये सोच कहीं और से मिल रहा है, उनको पहले अपने पति के लिए और अपने प्रिय के लिए इतना प्यार नहीं है, पर वो लोग जहर फूलते हैं आपके जीवन, और आप फिर उन्हीं नजरों से आपके पति को देखते हो या अपने पति को देखते हो। तो आपका मित्र और आपका प्रेमी एक ही होना चाहिए, अलग अलग सच्चा प्यार वो ही होगा। आया ना? इसलिए यीशु ने कहा आज से मैं तुम्हें मेरा मित्र कहता हूँ, आज से तुम मेरे दोस्त हो, है ना? क्यों? सच्चा प्यार यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या है कि कोई अपने मित्र के लिए, किसके लिए? मित्र के लिए, प्रेमी के लिए, प्यार के लिए। दुनिया में प्यार के लिए अपना जान देते ना, मतलब वो जमाना एक जमाना होता है, प्यार के लिए जान चलो मिलके सुसाइड कर लेते साथ सदमा ना एक दूसरे के लिए। और वो पिक्चर देखने के बाद कमल हसन का, बाकी सब ने सुसाइड करना शुरू कर दिया, कपल्स कितने सुसाइड केसेस बढ़ गए थे उस समय, कमल हसन का एक दूसरे के लिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसी स्पॉट से गोवा में कपल जा जाकर सुसाइड करते थे, क्योंकि कमल हसन ने यहाँ से जम मार दिया। आखिर देखा, ये प्यार नहीं है। अपने मित्र के लिए प्यार देना मतलब अपना जान देना, मतलब क्या, भले कुछ भी हो अपने प्रेमी के लिए सब कुछ नीचा हो, भले आपको नींद आ रहा है फिर भी आप उठोगे उनके लिए कुछ करोगे। समझ में आ रहा है? आप करना चाहोगे कुछ और, पर उनका प्रिय जो है, उनको जो पसंद है वो आपको। हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ो। सिक्स चैप्टर पहुंच गए, सिक्स चैप्टर। ठीक है, अभी क्या किया उसने? उसने अपने प्रिय के बारे में, उसने अपने प्रिय के बारे में क्या किया? वर्णन किया, इतने खूबसूरत रीति से वर्णन किया, सबके मुंह में पानी आ गया, सबके मुंह में बोलने लगे क्या यार ये तो शाहरुख खान ऋतिक रोशन जैसा लग रहा है कोई, क्या है, हमको भी देखना है, हमको भी देखना है। अभी जलन देखो, वर्स सिक्स वर्स वन। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहाँ गया? तेरा प्रेमी कहाँ चला गया कि हम तेरे संग उसको ढूंढने? हमको भी देखना है, हमको भी ढूंढना है, चलो हम साथ में ढूंढते हैं ऐसा आदमी को, हम भी देखना चाहते हैं, हमको भी प्यार हो गया उनसे। समझ में आया? हमको भी ढूंढना है, इतने अच्छे से वर्णन कर। अच्छा, कोई यहाँ पर बैठा हुआ यीशु मसीह के बारे में वर्णन कर, उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलता है, उसके आंख से आग की ज्वाला, उसके हाथों में सात सितारे, उसके पैर जैसे जले हुए पीतल के समान, उसकी आवाज जैसे थंडर थंडर, बहुत सारे पानी और गड़गड़ाहट के समान, उसके बाल ऊन के समान सफेद। बोलो, डिस्क्राइब। नहीं ना, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा मालिक प्रभु है। सर देखो, जब आपको प्यार है ना, यू कैन डिस्क्राइब एवरीथिंग अबाउट देम, इतने मतलब इतने इतना ब्यूटीफुल पिक्चर बना दिया कि बंदा जब आएगा बोलेगा ये था, है ना? उनके आंखों से, उनके मुंह से ऐसा लग रहा है कि बंदा बहुत ही, और सब लोग एकदम हाँ हाँ हमको भी इस आदमी से मिलना है, ऐसा आदमी कभी देखा नहीं, सुलेमान भी ऐसा नहीं दिखता है। फिर देखो ये औरत क्या करती है, ये लड़की क्या करती है। जलन देखो, जलन टू वर्स टू एंड थ्री, दो और तीन। मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बलसान की क्यारियों की ओर गया है कि बारी में अपनी भेड़ बकरियां चराए और शोषण फूल बटोरे।
verse 3. मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है. वह अपनी भेड़ बकरियाँ शोषण फूलों के बीच में चराता है. Amen. क्या बोल रही है? मैं मेरा प्रिय मेरा है और मैं अपनी प्रिय का हूँ. बस और कोई बीच में नहीं आ सकता है. तुम सोचना भी मत. समझ में आ रहा है? दिख रहा है जलन? दिख रहा है कि नहीं? हाँ, वो मुझसे खुश है, वो इस बगीचे से खुश है. वो चराता है, इस बगीचे पे चराता है, वो खुश है. समझ में आ रहा है आपको? हाँ, वो जलती है. सच्चे प्यार में जलन होता है? Yes. होता है? होता है. अभी देखो, ये सब करते वक्त, ये सब बात करते वक्त सुलेमान वापस से अंदर आ जाता है. अभी आगे देखो, बस फोर ऑन बस. हे मेरी प्रिय, तू तिरसा की नाई सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है. देखो, वापस से यरूशलेम, ये वो, वापस से ये बंदा ऐसे ही बोल सकता है. ये कब से कोशिश कर रहा है कि एक औरत, ये सारे औरत, 1000 औरत, मतलब कितने औरत उसको मिल गए, पर ये एक औरत मान क्यों नहीं रही है? अभी सब अपना पूरा विजडम यूज करने की कोशिश कर रहा है, अपना बुद्धि यूज करने की कोशिश कर रहा है, पर बुद्धि नाकामयाब हुआ. आगे देखो, बस फाइव. अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनसे घबराता हूँ. तेरे बाल ऐसी बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती हूँ. अच्छा, गिलाद, 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 गिलाद का जो है, ये है, ठीक है. आगे पढ़ो. तेरे दांत ऐसी भेड़ों के झुंड के समान है जिन्हें स्नान कराया गया हो. उनमें प्रत्येक दो दो जुड़े बच्चे देती हैं, जिनमें से किसी का साथी नहीं मरा. तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार की फाक से देख पड़ते हैं. वहाँ 60 रानियाँ और 80 रखेलियाँ और असंख्य कुमारियाँ. कितने 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 अभी तक कितने थे सुलेमान राजा के साथ? पास 700 बीबियाँ थी और 300 रखेल. पर यहाँ पर कितने हैं देखो? 60 रानियाँ और 80 रखेलियाँ. 80 समझ में आ रहा है? उस समय में हुआ था. उसके बाद उनके बहुत सारे और बीवियां हुई और सारे रखे. समझ में आ रहा है? तो उस समय में हुआ जब उनके पास कितने बीवियां थे? 60 रानियां और 80 रखे. आगे पढ़ो. परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्बल अद्वैत है, अपनी माता की इकलौती अपनी जननी की दुलारी है. पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा, रानियों और रखेलियों ने देखकर उसकी प्रशंसा की. क्या किसने प्रशंसा किया उनका? नहीं, सब लोग उनका ठट्टा उड़ा रहे. प्रशंसा किसने किया? किसी ने भी नहीं किया. फिर भी वो कह रहे कि एक लौता है, उसको कुछ भी नहीं मालूम इस औरत के बारे में, इस स्त्री के बारे में. दो थी ना बच्ची, दो बेटियां थी ना, उसको कुछ भी नहीं मालूम. बोले कि एक लौते बेटी थी. देखो, जब आप फ्लैटरी करने की कोशिश करो ना, सिर्फ चढ़ाने की कोशिश करो, झूठ मूठ का चढ़ाते हो, पता चलता है आपको कुछ नहीं, सच्चाई नहीं. और बोले कि तुम अद्वैत हो, मतलब एक जैसे, मतलब एक ही हो, एक पीस हो, और कोई नहीं है तुम्हारे जैसा. इतना मुश्किल है तुमको बहकाने का कि उन्होंने लिख दिया, पूरा किताब ही बना दिया उसका, कि ये देखो एक औरत है जो मेरे बहकाने में नहीं आई. मुझे त्याग दिया इसने, मुझे ठुकराया, मेरे धन दौलत को ठुकराया, मेरे बुद्धि को ठुकराया. क्वीन ऑफ शीबा भी, रानी शीबा भी उतना दूर से आई मेरे लिए, और ये औरत जो एक चरवा के घर में पैदा हुई, इतना भिखारी है, वो मुझे ठुकरा रही है. इसलिए उसने पूरा किताब लिख दिया. चौंक गया ये बंदा. आगे. यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है. समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि कितने कष्ट के बाद सुलेमान ने ये लिखा होगा, बाहर करके आया होगा. और तुम कितने सुंदर हो तुम, ऐसा लग रहा है कि बाहर करके लिखा होगा. ध्यान से, मेरा पूरा बुद्धि इस्तेमाल करके लिखा होगा. भाई आप भी तो मान जाओ, पर मानने के लिए तैयार नहीं. वो बोली गलती से मैं तुम्हारे सामने आ गई, क्योंकि सुलेमान राजा जहाँ पर था वो शायद से वो बगीचे में चले गए, तो गलती से तुम्हारे सामने आ गई. देखो 11-12. मैं अखरोट की बारी में उतर गई कि तराई के फूल देखूं. बस उतर गई क्यों? क्योंकि तराई के फूल देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए नहीं. ये मत सोचो कि मैं खुश हो गई और मैं मान गई हूँ, मैं सिर्फ फूल देखने के लिए आई. ठीक है, आगे. और देखूं कि दाखलता में कलियां लगी और अनारों में फूल खिले कि नहीं. मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया. मुझे पता भी नहीं था मैं तुम्हारे सामने आ गया.
मुझे कल्पना भी नहीं था मीन्स आमना सामना होगा अभी अभी यहाँ पर। सोलोमन राजा वापस से वो निकलने लगी, वो बोली सॉरी सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, मैं तुम्हारे सामने आ गई ठीक है, तो अभी अपना भाषण पूरा वापस से शुरू मत करना। तो निकलने लगी, निकलते वक्त देखो सोलोमन राजा क्या बोलता है, वर्स 13, लौट आ लौट आ हे शुलमीन, लौट आ कि हम तुझ पर दृष्टि करें, क्या तुम शुलमीन को इस प्रकार देखोगे जैसा महनेम के नृत्य को देखते हो। समझ में आया, अभी वापस से उसका भाषण शुरू हो गया कि मेरे जो सेनापति है, मेरे जो लोग हैं मेरे साथ, और मैं हम तुम्हें देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं, रुक जाओ बस 2 मिनट के लिए रुक जाओ, हम तुम्हें देखे। आगे देखो सातवां अध्याय, 2 चैप्टर और बाकी है, ये सातवां अध्याय है ठीक है। हाँ सातवां अध्याय पहला वचन, हे कुलीन की पुत्री तेरे पांव जूतियों में क्या ही सुंदर है, तेरी जांगे की गोलाई ऐसे गहनों के समान है जिसको किसी निपुण कारीगर ने ये जवाब ही नहीं कर रहा है, बस जूते से लेकर सर से लेकर सब जगह गया, अभी और क्या बताएं इनको और कैसे पटाएं इनको ठीक है। आगे, तेरी नाभि गोल कटोरा है जो मसाला मिले हुए दाख मधु से, मसाला मसाला किचन में चला गया अभी ये बंदा। आगे, दाख मधु से पूर्ण हो, तेरा पेट गेहूं के ढेर के समान है, तेरा पेट गेहूं के ढेर के, गेहूं के जैसे। अभी देखो उसको भूख भी लगी है, अभी बताते बताते भूख भी लगी है उसको, अभी सब भूख वाला लग रहा है उसको देखो ठीक है। आगे, जिसके चहुओर शोषण फूल हो, आगे, तेरी दोनों छातियां मृगनी के 2 जुड़वे बच्चे के समान है, आगे, तेरा गला हाथी दांत का गुम्मट है, तेरी आंखें हेशबोन के उन कुंडों के समान है जो बत्रबिम के फाटक के पास है, तेरी नाक लबानोन के गुम्मट के तुल्य है जिसका मुख दमिश्क की ओर है, तेरा सिर तुझ पर करमेल के समान शोभायमान है और तेरे सर की लटे अर्गवानी रंग के वस्त्र के तुल्य है। राजा उन लटाओं में बंधुआ हो गया है, बंधुआ हो गया, राजा बंधुआ हो गया, सब जगह का नाम लिया, तुम्हारा ये दादर के जैसा है, तुम्हारा वो बैंड्रा के जैसा है, तुम्हारा ये नाला सोपारा जैसा, तुम्हारा ये विरार के जैसा, बंदा करे तो क्या करे, वो सब जगहों के बारे में जानता है, वो राजा है ना, और क्या बोल सकता है, समझ नहीं पा रहे कि इसको पटाए तो पटाए कैसे, और बोल रहा है कि राजा जो है तुम्हारा बंधुआ हो गया। आगे देखो क्या होगा, हे प्रिय और मनभावनी कुमारी तू कैसी सुंदर और कैसी मनोहर है, तेरा डिलडोल खजूर के समान शानदार है और तेरी छातियां अंगूर के गुच्छों के समान है, और क्या बात करें। आगे, मैंने कहा मैं इस खजूर पर चढ़कर उसकी डालियों को पकड़ूंगा, तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे हो और तेरी स्वास का सुगंध सेवों के समान हो, आगे, और तेरे चुंबन उत्तम दाख मधु के समान है जो सरलता से होठों पर से धीरे धीरे बह जाती है। समझ में आ रहा है कि ये बंदा उस चीजों के बारे में कह रहा है जो उन्होंने अनुभव भी नहीं किया, कभी कभी चुम्मा भी नहीं, कभी हाथ भी नहीं लगाया इस औरत को उसने, फिर भी वो कह रहा है तुम्हारे होठ, तुम्हारे जीभ, तुम्हारे दांत मधु के जैसा है ये, हाथ भी नहीं लगाया पर वो अपने मन भावनी कहानी बना रहा है और उसको बहकाने की कोशिश कर रहा है। पर जब ये चरवा ने कहा तभी उसको बहुत अच्छा लगा, पर जब ये सुलेमान राजा कह रहा है उसको अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, खोखला है सर, खोखला है, किसी को ऐसे पटाने के लिए आप कहते हो ना पता चलता है खोखला है, देखो वो पट जाती है क्या, ये सब बड़े से अभी पूरा ज्ञान यूज किया जो परमेश्वर ने ज्ञान दिया उसने इस्तेमाल करके ये सब लिख दिया, दादर के जैसा विरार के जैसा नाला सुभा। आगे देखो वो पढ़ गई कि नहीं पढ़ी, 10वां अध्याय, मैं अपनी प्रेमी की हूँ और उसकी लालसा मेरी और नित बनी रहती है। देखा, इतना पटाने के बाद भी वो कह रही है मैं अपने प्रेमी की हूँ, उसको डर नहीं लग रहा, राजा के सामने भी वो कह रही है कि मैं अपने प्रेमी की हूँ और उसका लालसा जो है मेरे, मतलब मैं और मेरा पूरा बदन, मेरा पूरा शरीर, मेरा सब कुछ जो है सिर्फ एक के लिए है और वो मेरा प्रेमी है। उसका प्रेमी उसके साथ नहीं था, शायद से वो वापस आ भी नहीं सकता था, वो बड़ी रिस्क ले रही थी कि अगर राजा का क्रोध आ गया तो क्या उसका जान चला जा सकता है, फिर भी उन्होंने कहा नहीं मुझे यकीन है मेरा प्रेमी वापस आएगा। जब उसको प्रेमी दिख भी नहीं रहा हमें भी यकीन है कि हमारा प्रेमी वापस आएगा जब हमें दिख भी नहीं रहा, इसलिए हम उनसे प्यार करते हैं, उनको दिन देखें और उनके लिए रुके क्योंकि जब वो आएगा हम उनके जैसे हो जाएंगे। एक से समझ में आ रहा है,
तो वो दुखी है, वो बोल रही है कि ये दुनिया के चकाचौंध से मुझे आकर्षित कोई नहीं कर सकता है, मेरे प्रेमी से मेरा मन कोई हटा नहीं सकता है। आप कितना भी मुझे भरमाओ, कितना भी मुझे आकर्षित करो, ये कुछ चलने वाला नहीं है। कोई मुझे मेरे प्रेमी से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं अपने प्रेमी के हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन और तुम्हारा शरीर जो है परमेश्वर का है, और तुम्हें एक कीमत देकर परमेश्वर ने मोल लिया है। तो फिर अपने बदन को बाकी चीज़ों के लिए क्यों देते हैं, अपने शरीर को, अपनी ताकत को, अपने सब कुछ बाकी चीज़? क्या आप लोगों को कह नहीं सकते हो नहीं, मैं मेरे प्रेमी का हूँ, प्रेमी का, और वो मेरा और उसका लालसा मेरे का। मेरा जो शक्ति है, मेरा जो सामर्थ्य है, मेरा जो समय है, मेरे प्रेमी का ही है, कोई मुझे उससे अलग नहीं कर सकता। आज आपकी ज़िंदगी में कहीं सुलेमान आएंगे आपको आपके प्रेमी से अलग करना, वो सुलेमान को उत्तर देना आपकी जिम्मेदारी है। भले ही आपको पता नहीं है या पता है कि आपका प्रेमी वापस आएगा या नहीं आएगा, फिर भी वो सारे सुलेमानों को, वो बहुत चतुर है, वो बहुत ही बुद्धिमान है, पर आपको आपके प्रेमी से अलग करने के लिए आएंगे लूमड़ी हो जैसे। फर्क ये है कि आप उनको जवाब दे सकते हो, ये समय मेरा प्रेमी का है और मैं मेरा प्रेमी का हूँ, उसका आंसर अभी वो एंड मैं उसका भी वो मेरा, समझ में आया? ठीक है, देखो क्या होता है आगे। बस हे मेरे प्रेमी आ, हम खेतों में निकल जाए और गांव में रहे। हे मेरे प्रेमी आ, हम खेतों में जाए और गांव में निकल जाए। दादर नाला सपरा विरार कुछ नहीं चाहिए हमको, गांव चाहिए मुझे, साधारण चीज़ें चाहिए, साधारण चीज़ें में मुझे तृप्तता मिलती है जब मेरे प्रेमी मेरे साथ है। सौदमन के पूरे शोभा में, शान में, शौकत में, रिचेज में, धन दौलत में उनको कोई दिलचस्पी नहीं था। मुझे साधारण चीज़ें भी मिले ना, अगर मेरा प्रेमी मेरे साथ है ना, मेरे लिए काफ़ी है। हे प्रेमी चलो ना, ये महल में मुझे रहने को नहीं अच्छा लगेगा। आजकल लोगों के पास महल है पर तो प्यार नहीं है उस महल में, खोखले है ना, घर है, धन है, दौलत है, पर प्यार नहीं है। औरत एक अलग कमरे में रहती है, मर्द एक अलग कमरे में रहती है। अगर कहीं घर है, औरत दूसरे घर में रहती है, मर्द दूसरे घर में रहता है, बच्चे अलग घर में रहते हैं क्योंकि बहुत पैसा है, सब अलग 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 अलग, रात को खाने में भी नहीं मिलते बोले। ये कह रहे कि सरल चीज़ें ना, अगर कुछ पैसा भी नहीं है ना, हम सिर्फ गांव में बैठेंगे, खेतों में बैठेंगे, कुछ भी खा लेंगे, पर सिर्फ तुम मेरे साथ हो, मेरे पास सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सब शान शौकत, ये सब धन दौलत मुझे नहीं चाहिए, ये सब महल पैलेस वगैरह मुझे नहीं चाहिए, ये खोखली झूठी प्यार मुझे नहीं चाहिए। दुनिया का प्यार खोखला है और झूठा, परमेश्वर का प्यार ही सच्चा है। अगर परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कहीं भी रहूँ, कैसे भी रहूँ, नाराज, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है ना, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। इसलिए पौलुस ने कहा लर्न टू बी कंटेंट, सब चीज़ों में संतुष्टि रहना सीख, मैंने सीख लिया, आप भी सीख लिया। पौलुस कहता है क्योंकि धार्मिकता संतुष्टि के साथ बहुत बड़ी चीज़ है, गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज ग्रेट गेन। आपने सब कुछ पा लिया, अगर धार्मिकता में संतुष्टि आपने पा लिया तो सब कुछ पा लिया, संतोष, बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी कमाई वही है ना। पर आपको भक्ति में संतुष्टता नहीं मिल रही है, आप सब जगह संतुष्टता ढूंढ रहे हो, आपको कभी नहीं मिलेगा। आप आपके प्रिय के हो और प्रिय आपके है, उसी में संतुष्टि है ना। आगे पढ़ो, फिर सवेरे उठकर दाख की बारियों में चले और देखे कि दाखलता में कलियां लगी हैं कि नहीं, कि दाख के फूल खिले हैं या नहीं और अनार फूले हैं या नहीं, वहां मैं तुझको अपना प्रेम दिखाऊंगी। मैं तुझको अपना प्रेम, ये सोलोमन राजा बोल रहे हैं, तुम्हारा प्रेम मुझे दे दो, सब कुछ कर रहा है, प्लीज तुम्हारा प्रेम मुझे दे दो। पर जब औरत खुद से अपना प्रेम देती है ना, वो अच्छा प्रेम, वो बहुत सुनहरा प्रेम। औरत के साथ ज़बरदस्ती करके आप औरत का प्रेम दे सकते हो, पर औरत जब खुद से प्रेम करती है ना, वो प्रेम अलग रहता है। अपने मन से प्रेम करती है ना, अपने मन से अपने आप को देती है ना आपको, वो अलग रहता है, उसमें संतुष्टि। आदमी ज़बरदस्ती करके वो प्रेम पा सकता है, हाँ या ना, आदमी ज़बरदस्ती करके वो प्रेम पा सकता है, पर औरत का पूरा मन नहीं रहता उसमें, तो वो पूरी तरीके से उसमें नहीं है, सिर्फ बदन मिलेगा आपको, प्यार नहीं मिलेगा। पर औरत जब अपने आप को देती है
तो औरत का प्यार जब मिल जाता है ना औरत के साथ तो संतुष्ट हो, तो वो कह रही है कि सोलोमन राजा को मेरा प्यार नहीं मिलेगा, तुम्हारे लिए मेरा प्यार है, तुम आ जाओ, हम लोग चले जाएंगे और मेरा प्यार तुम्हारे लिए, मैं अपना प्यार तुम्हें, और कोई भी इसके काबिल के लायक नहीं है। तो मैं मिल रहा है कुछ किसी को या फिर कुछ मज़ा आ रहा है इसमें कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना, ठीक है, आगे पढ़ो। 8:1 लास्ट चैप्टर 8:1। भला होता कि तू मेरे भाई के समान होता जिसने मेरी माता की छातियों से दूध पिया, तब मैं तुझे बाहर पाकर तेरा चुम्बन लेती और कोई मेरी निंदा ना करता। क्यों क्यों कह रही है ये? क्योंकि उस जमाने में लड़का लड़की मिल नहीं सकते थे ना, शादी के पहले, शादी के बाद भी नहीं मिल सकते थे, और मतलब रास्ते पे नहीं देख सकते थे साथ में उनको, तो शादी के पहले नहीं मिल सकते थे, तो कहते थे कि काश तू मेरा भाई रहता था तो मैं तुझे आराम से मिल सकती थी, लोग मुझे तुच्छ नहीं जानते थे, लोग मेरा निंदा नहीं करते थे, तो तुम्हें पकड़ पकड़ कर चुम्बा लेती थी और तुम्हें हग करती थी, काश तू मेरे भाई रहता था, कब तक शादी के लिए रुकेंगे? ठीक है आगे। वस्तु मैं तुझको अपनी माता के घर ले चलती और वह मुझको सिखाती और मैं तुझे मसाला मिला हुआ दाख मधु और अपने अनारों का रस पिलाती। मैं शान से अपनी माता के घर में तुझे लेके जाती थी, वापस से वो मूड में आ गई है, वो सोच में आ गई है कि बस मुझे वो प्यार चाहिए, मैं उसे पकड़ू, मैं उसे बस दिन रात उनके ख्यालों में यही दिख रहा है। सुनो, मैं राजा बाबर खड़ा है सामने और ये सोच रही है उसके बारे में। ये तो हमारे जीवन में उल्टा होता है ना, जब लोग हमारे साथ रहते हैं, जब हम परमेश्वर की सानिध्य में रहते हैं, हम लोगों के बारे में सोचते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं लोगों के बारे में सोचते हैं। देखो जब हम लोगों के साथ रहते हैं ना, हमारा ध्यान परमेश्वर पर रहना चाहिए, इसलिए राहुल कहता ना दिन रात मेरा ध्यान तुम पर रहे, दिन रात नहीं ना, उल्टा होता है ना, जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते तभी हम सोचते हैं ये क्या करते होगा, वो क्या करते हैं। ये सुलेमान के सामने खड़ी है, राजा के सामने खड़ी है, इतना कुछ कह रहा है राजा, फिर भी वो कह रही है, वो एकदम अपने क्या बोलते हैं, अगर बोल सकते तो सुहागरात के मूड में चली गई कि बस तुझे ले लूं, चुम्बा ले लूं, तुम्हें मेरे माता के घर पे ले लूं और तुम्हें जूस पिलाता रहूं, मतलब तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हारा ध्यान रखूं। आज के ज़माने में दूध देते हैं, उस समय में, पर आज उस समय में जूस देते हैं। अभी समझो दूध क्यों देते, क्या मालूम दूध क्यों देते, सुहागरात के दिन दूध देते ना, दूध देते अभी भी या नहीं? अभी नहीं देते, अभी ले लो पानी, ले लो खुद से उठाकर ले लो, जाओ हाँ बर्तन नीचे रखा है, जाओ खुद से गर्म करो, खुद से पी लो, अगर दूध नहीं है तो गाय के नीचे बैठ जाओ और खुद से दूध भी निकालो दस के। पर ऐसा कहा जाता है कि दूध दिया जाता है, दुल्हन दूध लेकर आती है अंदर और फिर दूध देती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर कह रही कि मैं तुम्हें जूस देता था, जूस, ठीक है। और बस वो देखो, बस तुरी देखो, तुरी 3 वचन 8:3। काश उसका बाया हाथ मेरे सिर के नीचे होता और अपने दाहिने हाथ से वो मेरा आलिंगन करता। काश वापस से मैं उनके बाजू में सो सकता था, वो मुझे अपने बाहू में लेकर सोता, काश, ठीक है। बस वो हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराती हूँ कि तुम मेरे प्रेमी को न जगाना जब तक वह स्वयं न उठना चाहे। वापस आ गई वो अंदर, सुलेमान से छोड़कर वापस आ गई अंदर, वापस से वो लोग बोल रहे हैं, अरे सुलेमान क्या भाषण दे रहा था यार, क्या बोल रहा था, इतना अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे थे, ये तो सुनकर हम लट्टू हो गए थे सुलेमान के बाद। वो बोल रही है नहीं, ये सब मुझे आकर्षित नहीं करते, मेरे प्यार को जगाना मत जब तक मैं ना चाहूँ। वो लोग बोले अरे यही भाषण सुन सुन के उनके ये सब देखकर ही हम आ गए, नहीं मैं अलग हूँ, काश मैं अपने प्रिय के बाजू में रहता था और उनके साथ सोता था, यही मेरे लिए सब कुछ काफ़ी है, यही मेरा संतुष्टि है, ये सब शब्दों में मुझे दिलचस्पी है, ये सब धन दौलत में मुझे दिलचस्पी है, दुनियादारी में दिलचस्पी नहीं, ठीक है आगे। फिर देखो सुलेमान राजा क्या करता है। यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है? क्या हुआ? सुलेमान राजा ने बोला निकल जाओ यहाँ से, जाओ वापस अपने प्रेमी के पास चले जाओ, और ये चरवाह के दोस्त वहां पर खड़े हैं, बैठे हैं गांव में, वो कह रहे कौन है जो जंगल से आ रहा है अपने प्रेमी के, वो लोग मिल गए, वो लोग जुड़ गए वापस और फाइनली एक हो गए,
Amen. Finally, वो रिश्ता एक हो गया. सोलोमन राजा ने कहा, मेरे प्यार से तुम्हें कोई मैं नहीं लुभा सकता हूँ तुम्हें. जाओ अपने प्रेमी के पास. और सोलोमन राजा ने उनको जाने दे दिया. और उसका प्रेमी वहां पर ही खड़ा था. देखो वर्स 5. यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है? सेब के पेड़ के नीचे मैंने तुझे जगा,